और तो हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं दीपंकर, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल फैट दीपंकर। मैं दीपंकर करता हूं आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल फैट दीपंकर में बहुत बहुत स्वागत। और एक्चुअली इससे पहले तो सुना था कि कुछ बर्ड्स ऐसे होता है, कुछ पेरेंट्स ऐसे होता है, मतलब बर्ड्स पेरेंट्स के अंदर कि बेबीज होने के बाद, मतलब बहुत लोग बोलते थे फ़ोन करके कि उनका पेरेंट्स ने बच्चे को मार दिया या उसका पैर काट दिया, सुनता था। लेकिन आज तक मैंने प्रैक्टिकली कभी देखा नहीं या ऐसे सामने कोई आया नहीं कि बेबीज होने के बाद उसका पेरेंट्स, मतलब मेरा तो इतना ब्रीडिंग होता है, आज तक मेरे पास ऐसे हुआ नहीं। लेकिन सडनली सुबह एक दादा का फ़ोन आया, उनके पास मकाउस और कॉकाटूस का बेबी हुआ था। मतलब इससे पहले भी हुआ है, मकाउस का फर्स्ट टाइम, कॉकाटूस का तो होता रहता है। तो दादा ने बोला कि कल मतलब बहुत आवाज़ हो रहा था नेस्ट बॉक्स का अंदर, मकाउस का नेस्ट बॉक्स का अंदर। तो दादा ने जाके चेक किया, देखा कि दोनों बच्चे को सडनली, मतलब दादा क्या करते हैं चेक भी नहीं किया, जब मतलब अंडा ले किया एक बार देखा था बस वही स्टॉप, उसके बाद मतलब होता गया, लेकिन एक बार भी चेक नहीं किया। और जब खाना देने के लिए जाते थे तो तभी मतलब वो आवाज़ आता था, लेकिन काल बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने का आवाज़ आ रहा है बच्चे का, मतलब डिफरेंट साउंड आ रहा है। तो दादा ने खोल के चेक करके देखा कि मकाउस का जो हुआ पेरेंट्स ने बच्चों को काट रहा है, मतलब ये देखिए यहाँ भी बहुत तेज़ से काटा और यहाँ भी बहुत तेज़ से काटा, मतलब ये दर्द सह नहीं पाया तो ये एक्सपायर हो गया है। मतलब क्या बताऊँ, बहुत बुरा लगता है पेरेंट्स के अंदर ये, मतलब कैसे क्यों आ जाता है पता नहीं। एक्चुअली दो बेबीज हुआ था, एक है और यहाँ एक है, दोनों का, इसका भी पैर में चोट पहुँचाया। सारे पेरेंट्स तो ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे हो जाता है। ये देखिए, ये तो अभी भी सर्वाइव कर रहा है। ओह, ये देखिए क्या बताऊँ, मतलब ये देखने के ना यहाँ ये होता है बहुत बुरी तरीके से, मतलब इसको एक दिन पहले शायद काटा, बहुत बुरी तरीके से काटा। और क्या करूँ, मतलब डॉक्टर साहब को बुलाया, ये रखेंगे तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा दर्द, बहुत पेन हो रहा है, बहुत दर्द, मतलब ये जब तक डॉक्टर साहब को बुलाया कि यहाँ से इसको काटना पड़ेगा, नहीं तो पेन किलर तो मतलब एकदम सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग में मेरे पास पहुंच गया, ये यहाँ से नहीं काटेंगे तो बहुत जल्दी करना है ऑपरेशन काट के। मतलब इससे पहले भी एक दो बार मेरे पास ऐसे घटना घटा कि मजबूरन पैर काटना पड़ा, उसके बाद वो अच्छे से मेरा ओपन एवियरी में उठते हुए सर्वाइव कर रहा है। लेकिन इतना छोटा बेबी ये सह पाएगा कि नहीं पता नहीं। जब सुबह मैंने खुद हैंड फीडिंग देने के लिए कोशिश किया, हैंड फीडिंग लेने का भी वैसे इसका अंदर ये नहीं है, और सांसें भी जैसे ले रहा है बहुत बहुत जल्दी। मैंने डॉक्टर साहब को अर्जेंटली फ़ोन किया कि जल्दी से आइए और कुछ ना कुछ करना होगा। दोनों कितना क्यूट बेबीज, मकाउस का ब्लू एंड गोल्ड मकाउस का बेबी है, और ये तो बेचारा सर्वाइव ही नहीं कर पाया। हाँ, लेकिन बहुत मुश्किल है, और अनफॉर्चुनेटली ये तो नहीं रहा। और उसी के साथ उनके पास कॉकाटूस का एक बेबी हुआ था, ये तो ठीक है, इनका पेरेंट्स ने तो मतलब कुछ नहीं किया, एकदम सही सलामत है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन दोनों का, मतलब सुबह एकदम अर्ली इन द मॉर्निंग में मैं जब ये मतलब सुना, मैं फ़ोन, दादा ने फ़ोन भी किया और मेरे पास पहुँचा भी दिया, तो तभी से जो हो रहा है तुरंत मैंने डॉक्टर साहब को फ़ोन किया। अभी तो सुबह के 7 हो रहा है, डॉक्टर साहब भी जल्दी से निकल गया घर से, इसको तो सही से हैंडशेक दे दिया। ये हम लोगों का ग्रेटर सल्फर क्रेस्टेड कॉकाटू का बेबी है, जायंट ग्रेटर सल्फर क्रेस्टेड कॉकाटू का बेबी है, ये तो एकदम ठीक है, इसका कोई टेंशन नहीं। लेकिन सोच रहा हूँ इसको लेके, इसको बहुत सावधानी से, बहुत दर्द हो रहा है, जो लग रहा है कि इसको सही करना बहुत मुश्किल है। मतलब ये जो सांसें ले रहा है ना हाथों का ऊपर, मैं क्या बताऊँ, थोड़ी देर के लिए एक्चुअली वो अगर थोड़ा सा चेक कर लेते ना एक दिन पहले, ये कल का नहीं है,
ये जो छोटा बेबी है इसको तो कल चोट पहुंचाया यहाँ, और ये जो किया ये तो सरवाइव नहीं कर पाया, लेकिन वो ना एक दो दिन पहले हुआ था। इसी के लिए दादा अगर चेक करता कभी कभी तो मतलब जिस दिन हुआ था उसी दिन अगर निकल के कुछ हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते ना तो मतलब एक चांस रहता, लेकिन अभी तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब मेरा एक्सपीरियंस का हिसाब से सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। प्रे करता हूँ ऊपर वाला गॉड भगवान से कि ठीक हो जाए। मतलब वहाँ वो देखने के बाद ना यहाँ ऐसे मतलब उसका फीलिंग को मैं जब खुद का अंदर लेता हूँ तो कैसे होता है पता नहीं। भगवान करे ठीक हो जाए, डॉक्टर साहब को आने देते हैं और उसके बाद फिर से आप सभी के साथ शेयर करते हैं। और फाइनली हम लोगों का डॉक्टर साहब भी आ चुके हैं। सोमेंदा इससे पहले बहुत बार ऐसे बहुत सारा बर्ड्स का जो सारा मतलब ऑपरेशनल ट्रीटमेंट होता है वो दादा ही करते हैं। बाप रे, दादा इमनीते ही उइक हुए गए थे और এই জায়গাটায় কামড়েছে আর কি। এটা একদিন আগেই করে দেওয়াটা উচিত ছিল মনে হয় না, মানে ওর বাবা মাই এটা। ও আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই বক্সের ভেতরে মানে হঠাৎ করে খুব জোর সাউন্ড হচ্ছে, তখন ভদ্রলোক গিয়ে যখন দেখলেন যে এটা এই কামড়ে করতেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে এরকম অনেক পাখিদের মধ্যে হয় যে কখনো কখনো অ্যাগ্রেসিভ হয় না বাচ্চার উপর টর্চার, মানে ডগ কভি কভি এসে করতে হয় কি উনকা বাচ্চা কে ভি খা লেতে হ্যায় এসে হতা হ্যায়। इन लोगों का अंदर तो ये कॉमन है। इटा मकाओ, हाँ हाँ हाँ, 7-8 दिन 10 दिन का ऐसे कुछ होगा ना। लेकिन डर लग रहा है कि ये ऑपरेशन के टाइम मतलब क्या होगा। क्यों तो पोजीशन नहीं चल रही। हाँ एक्चुअली ये इन्फेक्शन हो गया है। प्रे करता हूँ भगवान से कि ये सही हो जाए, आने से फील हो रहा है। जिस दिन हुआ था उसी दिन अगर मतलब वो तो समझना भी मुश्किल है, वो तो देखते नहीं कि हाँ वो लोग को मतलब पेरेंट्स को करा रहा है वो सही है, लेकिन ये कब रास्ते दादा एक्चुअली सेम प्लेस में काटा। दादा और एक बेबी था उनको भी यही मतलब यहाँ और यहाँ ये सेम प्लेस में वही काटा है पेरेंट्स। डॉक्टर साहब कहाँ गया? चला गया। ओह, नहीं जा जिस दिन हुआ था उसी दिन अगर हो जाता तो अच्छा होता। सर्जिकल ब्लेड, एंटीबायोटिक्स, टीबैट, बंडेज, पेन किलर, क्या कर सकते हैं। इसी के लिए कभी कभी चेक करना चाहिए। चलो कोशिश किया लेकिन कुछ हो नहीं पाया, टाइम नहीं मिला। अगर एक दिन पहले अगर मिल जाता तो एकदम कॉन्फिडेंट था कि उसको हम 100% ठीक कर देते। इससे पहले भी बहुत सारा केसेस ऐसे हुए हैं। हम लोग जो रिंग लगाते हैं ना रिंग पैर में वो कभी कभी फंस जाता है नेट में वगैरह वगैरह ऐसे होता है, लेकिन ये इजी है। वो काट देने के बाद ना वो 5-7 दिन 10 दिन के बाद वो एकदम ठीक हो जाता है। अभी भी मेरे पाइनएप्पल योलोसाइडेड वगैरह है वो लोग एकदम सही से सरवाइव कर रहा है, लेकिन फ़िलहाल क्या करें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। और ये सारे जो सामान है एक्चुअली जो मंदिर है मेरा मतलब हम लोगों का सेवा का दायित्व मिला पिछले 5 सालों से हम लोग करते आ रहे हैं गाँव का अंदर। मतलब वहाँ ऐसे 2000 के आसपास ऐसे लोगों का मतलब उन लोगों का ऐसे कोई फेस्टिवल्स होता नहीं है। दीपंकर कब वहाँ जाएगा पूजा के दिन, मतलब हर साल मार्च का फर्स्ट संडे, हर साल मार्च महीना का फर्स्ट संडे वहाँ जलाराम बापा, राम, सीता, शिव, दुर्गा मतलब सबका वहाँ मतलब मूर्ति है, धूमधाम से पूजा होता है उसी के लिए। ये तो खाली वेजिटेबल सब्जी बाजार है और भी बहुत सारा मतलब 1.5 से 2 हज़ार लोग आसपास ऐसे लोग खाते हैं, उसी का तैयारी चल रहा है। और आज सुबह मन तो एकदम ख़राब हो गया।
ठीक है, आज के लिए एक छोटा सा वीडियो था, आज का वीडियो यहाँ ख़त्म होता है, फिर मिलेंगे किसी नया वीडियो नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। हाँ चढ़ा दिया सब, हो गया सब, सब सब्जी चावल जो कुछ लेना चाहिए था सब हो गया ना। चलो चलो चलो, हो गया।